हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, उन्नति कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगेन आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा भूगोल के बारे में। पार्ट 22 में हमें डिस्कस करा था भूगोल और उससे संबंधित वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 5 से अधिक बार पूछे गए थे। एक एक क्वेश्चन 5 से अधिक बार पूछा गया था, तो वही सीरीज़ मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ और इस वीडियो में भी सेम वही क्वेश्चन चलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में 5 से अधिक बार पूछे गए हैं, चाहे आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो या फिर सीएचएसएल जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। 31, भारत के किस राज्य में 90% से अधिक भूभाग पर वन पाए जाते हैं? तो वो है आपका मिजोरम। देखिए ये चीज़ याद रखना, आप स्टेट जो है वो आपकी वो मिजोरम। देखिए एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा कि भारत के किस राज्य में 90% से अधिक भूभाग पर वन पाए जाते हैं। और एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक वनावरण वाले राज्य कौन सा है? तो देखिए 5 राज्य जो हैं, सबसे पहले आता है आपका मध्य प्रदेश, सेकेंड आता है आपका एपी, थर्ड आता है आपका छत्तीसगढ़, फोर्थ आता है आपका महाराष्ट्र और फिफ्थ आता है आपका उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन में और आप जो सामने देख रहे हैं उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, ये आप मुझे डिफरेंस बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके। शायद आपको पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ पूरा सेंटेंस आपके सामने कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले जो राज्य है वो है फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश और ये आपके सामने 31 नंबर है, इसका आंसर है मिजोरम। तो दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है आपका मैनग्रोव वृक्ष या वन। तो सबसे अधिक जो है ये है पश्चिम बंगाल में और पश्चिम बंग में इन्हें सुंदर वन भी कहते हैं। मैनग्रोव वन का जो नाम है सुंदर वन वो कौन से राज्य में पड़ता है? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, फिलहाल वीडियो की लेंथ बढ़ेगी तो आप फिलहाल वीडियो कम वॉच करेंगे। तो वीडियो की लेंथ को मेंटेन करते हुए पॉइंट नंबर 32 है कि केरल को तमिलनाडु से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो वह है आपका पालघाट दर्रा। पारसनाथ किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो यह है छोटा नागपुर की। और न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह आपका हडसन नदी पर। भारत के किस राज्य में चंदन के सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो वह है आपका कर्नाटक राज्य। और विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है आपका मोना लाओ कहाँ पर है? तो यह है आपका हवाई द्वीप में। पॉइंट नंबर 37, पृथ्वी की सतह के बिल्कुल नीचे वह स्थान क्या कहलाता है जहाँ पर भूकंप का सेंटर होता है, जहाँ से भूकंप पैदा होती है, तरंगे उत्पन्न होती है, तो उसको बोलते हैं फोकस। पॉइंट नंबर 38, माउंट मैकिनली पर्वत किस देश में है? तो यह है आपका यूएसए में। तंजानिया में कौन सा ऊंचा पर्वत शिखर है? तो यह आपका कीलम मंजारो। सुंदरबन डेल्टा स्थित है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर। और लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है वह किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपकी मणिपुर में। देखिए 41 से शायद आपको याद आया होगा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी कैस्पियन सागर के बारे में, बात करी थी सुपीरियर झील के बारे में और बात करी थी बैकाल झील के बारे में, टिटिकाका झील के बारे में। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन मैं आपसे आज पूछना चाहूँगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये चलेगा पता कि आपको कितना याद रहा, मतलब एक दिन का वीडियो आपने देखा, एक दिन बाद आप उसमें भूल गए। अगर आपको याद रहा तो मैं चाहता हूँ कि आप उसका रिप्लाई मुझे करेंगे कमेंट में लिख करके। तो मेरा क्वेश्चन उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये है कि खारे पानी और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम बताइए। तो करिए मुझे कमेंट्स आप इस वीडियो के अंत में, राइट। तो अब देखिए झील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट झील और भी हैं इसके अलावा, जैसे कि आपका चिल्का झील, पेरियार, पुलिकट झील, झीलें जो हैं ये हैं आपकी लैगून झील। उसके बाद में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वो है आपकी वुलर झील। अगर बात करी जाए चिल्का झील झील के बारे में तो ये भारत की सबसे बड़ी झील है और जो एक झील है उसका नाम है लोनार, ठीक है। और ये क्या है, ये ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित झील का नाम है क्या? लोनार। तो एग्जाम में आपसे कभी कभी इस झील का नाम भी पूछ लेता है कि ज्वालामुखी से बनी हुई झील का नाम बताइए, तो आपको याद रखना है क्या? लोनार।
पॉइंट नंबर 42 है कि किस राज्य की सीमा पर भारत चीन व्यापार मार्ग पर नाथुला स्थित है, तो वह है आपका सिक्किम की सीमा पर। पॉइंट नंबर 43, रिहंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है, तो यह है आपकी उत्तर प्रदेश की। 44, 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति कहाँ पर होती है, तो ये होती है आपकी दक्षिण अटलांटिक महासागर में। देखिए अगर हम बात करी जाए अक्षांश के बारे में, तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, 181। और बात करी जाए 1 डिग्री अक्षांश बराबर होता है 111 किलोमीटर। अगर मैं आपसे बात करूं 1 डिग्री देशांतर, तो ये होता है 111.32 किलोमीटर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बढ़ता हूँ अगले पॉइंट की ओर कि 45 नंबर है हमारे सामने कि अल नीनो धारा किस देश के समुद्र तट के सहारे प्रवाहित होती है, तो ये होती है पेरू के समुद्र तट के सहारे। 46 नंबर है भारत के किस महत्वपूर्ण स्थान की स्थिति, 28.38 नॉर्थ अक्षांश वे 77.12 ईस्ट देशांतर है, तो ये है आपकी दिल्ली की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये एक्चुअली DSSB के एग्जाम में कई बार पूछा गया था। एग्जैक्ट एक्चुअली उसने पूछा था, ये दिल्ली जगह का नाम दिया था क्वेश्चन में और 4 ऑप्शन दिए थे इसकी स्थिति। तो ये फिगर आपको डायरेक्ट याद करनी है। पॉइंट नंबर 47, उत्तर कोरिया वे दक्षिण कोरिया की सीमा किस अक्षांश रेखा द्वारा निर्धारित होती है, तो ये है आपके 38वीं समानांतर द्वारा। 48, एस्किमो लोगों का प्रमुख धंधा क्या है, तो ये आपका मछली पकड़ना तथा शिकार करना। 49, विश्व की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, कांगो नदी, इसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट नंबर 50, ड्यूरेंट रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है, तो ये है आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। 51, भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है, तो ये है आपका अमेरिका। और 52 नंबर है, मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है, तो ये है भारत एवं श्रीलंका। पॉइंट नंबर 53 है, रेगुर क्या है, तो रेगुर एक काली मिट्टी है। पिछले वीडियो में मिट्टी से संबंधित क्वेश्चंस मैंने रखा था और उससे संबंधित मैंने आपको बताया था मिट्टियों के बारे में, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो मत देखिएगा। मुझे बस केवल एक आंसर बताइएगा कि भारत की मिट्टियों को कितने भागों में डिवाइड करा गया है कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। ऑप्शंस आपके सामने मैं 4 दे रहा हूँ आपको, 6, 7, 8, 9, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो आपने मुझे 2 कमेंट करने हैं, एक तो वो जो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था खारे और मीठे पानी झील का नाम, सेकंड क्वेश्चन है ये, देखते हैं कितने रिप्लाई आते हैं। पॉइंट नंबर 54 है हमारे सामने, ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है, तो ये होता है 20 और 22 दिसंबर के बीच में। और 55 नंबर है, अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती हैं, तो ये है आपका शोभ मंडल। देखिए वायुमंडल की सबसे जो निचली परत होती है वो होती है आपकी शोभ मंडल, ये आपको पता होगा। फिर आती है समताप मंडल, फिर आती है तीसरी लेयर, फिर आती है चौथी लेयर। तो उन लेयर के नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि पिछले वीडियो में ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। पिछले से पिछले मतलब कुछ वीडियो होंगे, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा वीडियो है, लेकिन जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछे हैं वो तो आपको पिछले वीडियो मिल जाएंगे। आप चाहें तो वहाँ से चीटिंग कर सकते हैं, अगर नहीं देखे हैं तो चलेगा, लेकिन अगर देखे हैं और भूल गए हैं तो अपने बारे में एक बार विचार करिएगा कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है भाई। वैसे स्पीड से भूलोगे तो बात कैसे बनेगी, सिलेक्शन हो पाएगा ऐसे। थिंक अबाउट इट, विचार करिएगा मेरी बातों पर प्लीज़ एक बार जरूर, रात को सोने से पहले आपके लिए छोटी सी डोज। चलिए देखिए, बस डिमोटिवेट मत होइएगा कि ठीक है मैं भूल गया तो क्यों भूला, तो बस थोड़ा सा अटेंशन के साथ में वीडियो देखेंगे, चाहे ये वीडियो देखो या फिर दूसरे चैनल के वीडियो देखो, लेकिन थोड़ा सा अटेंशन देके वीडियो को देखा करो, नोट्स बनाया करो साइड में उसके। अब देखिए शोभ मंडल के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे मैं कि शोभ मंडल के बारे में, हाँ ये क्या थी, सबसे हमारी निचली परत थी ये। देखिए इसको शोभ मंडल के अलावा इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं जो मैं कहना चाहूँगा आपसे कि देखिए इसकी जो ऊंचाई होती है विषुवत रेखा पर तो होती है 16 किलोमीटर और ध्रुवों पर होती है इसकी हाफ, मतलब 16 का हाफ कितना हो गया 8 किलोमीटर।
और इसके साथ में कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि इस परत की जो होती है ऊंचाई के साथ साथ तापमान क्या होता है, हमेशा डिक्रीज होता है, घटेगा, और प्रत्येक मतलब 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कमी आती है। इसी को बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये बन गया था, कई बार पूछा भी गया है कि नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर शोभ मंडल पर कितना होता है, कितने डिग्री का। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड डाउन होता है टेम्परेचर 165 मीटर पर। तो प्लीज़ आप इसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा अगर नहीं पता है तो। अब देखिए शोभ मंडल से संबंधित मौसमी घटनाएं जो होती हैं, जैसे कि आपकी बादल बनना होता है, आंधी आती है, तूफान आते हैं, वर्षा होती है, तो बूंदे वगैरह वर्षा की जो बनती है वो सब के सब बनती है इसी मंडल पे, शोभ मंडल पे। जो आप बादल देखते हैं ना आसमान में, तो वो कौन से मंडल में स्थित हैं, तो वो सभी स्थित होते हैं आपके शोभ मंडल में। तो बढ़ो आगे, बहुत है। आगे बात करते हैं 56 नंबर की, विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे। वो थे आपके अनगेजी मेंडर। अगला है हमारे सामने 57। भूमध्य रेखीय त्रिज्या की लंबाई कितनी है, 6371 किलोमीटर। और एशिया का सबसे निष्प्राण क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पामिर क्षेत्र को। 59 नंबर है, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से है सातवां। 60 नंबर है, भारत के किस राज्य की सीमा एक और चीन से, दूसरी और पाकिस्तान से मिलती है, तो ये है आपका जम्मू एवं कश्मीर से। पॉइंट नंबर 61, पिरेनीज पर्वत किन दो देशों के बीच में स्थित है, तो वो है आपका फ्रांस और स्पेन। 62 नंबर है, सिजगी क्या है, तो सिजगी होता है सूर्य चंद्रमा की समकोणिक स्थिति, मतलब 90 डिग्री एंगल पे जब होता है तो उसको बोलते हैं सिजगी। अगला है 63, सॉरी, अल्बिडो क्या है, सूर्य से पृथ्वी की ओर प्राप्त ऊष्मा का वह भाग जो बिना पृथ्वी और वायुमंडल को गर्म किए परावर्त हो जाता है। पॉइंट नंबर 64, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो यह है आपका श्रीहरिकोटा में। नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है, तो यह है आपका ब्रिटेन का। 66 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो यह है आपका प्रशांत महासागर। 67, नुबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है, सूडान में। 68 नंबर, उड़ीसा में सिमलीपाल वन्य अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो यह है आपका मयूरभंज में। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड तक फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करिएगा। और फ्रेंड जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, उम्मीद करता हूँ कि अगर आप एक एक्टिव स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ाई को ध्यान से पढ़ते हैं, मन लगा के, अगर आप गोल के प्रति आपका मन, आपका डेडिकेशन 100% है, तो आपको शायद जो पूछा मैंने अब तक क्वेश्चन था आपसे वो आपको याद होगा। तो देखते हैं क्या रिप्लाई आता है आपका। इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर